प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर के पक्ष में किया चुनावी प्रचार, अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में पार्टी हाईकमान का मंथन लगातार जारी। कांग्रेस महिला मोर्चा का एक सम्मेलन कुल्लू में हुआ आयोजित। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल और प्रदेश प्रभारी नीतू वर्मा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर राजनीतिक विचार साझा करना अब सरकारी अफसरों व कर्मचारियों को पड़ेगा महंगा। निर्वाचन आयोग ने सरकार को आदेश जारी कर सेवा नियमों के तहत सख्त कार्यवाही के दिए निर्देश। आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रदेश भर में पुलिस, आबकारी और आयकर विभाग का जांच अभियान हुआ तेज। अब तक 2000 लीटर से अधिक शराब जब्त। मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा, मतदाताओं को न्यूनतम मूल्य पर मिलेगी विभिन्न निर्वाचन सेवाएं। लोक मित्र केंद्रों पर भी बनवाए जा सकते हैं वोटर कार्ड। चुनावी प्रक्रिया में आपात स्थिति से निपटने के लिए ऊना प्रशासन ने कसी कमर। भूकंप और अग्निरोधी मॉकड्रिल के माध्यम से आपात स्थिति में बचाव और सुरक्षा की कर्मचारियों को दी जानकारी। स्कूलों के विकास में योगदान के लिए नाहन में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। जिले के करीब 56 लोगों को किया गया सम्मानित। आयकर विभाग द्वारा सोलन में एक कार्यशाला आयोजित। कार्यशाला में आयकर विभाग के नए नियमों की दी गई जानकारी। ईमानदार करदाताओं को भी किया गया सम्मानित। मौसम की बेरुखी के चलते सिरमौर जिला के आम उत्पादकों को सताने लगी परेशानी। बागवानों ने सरकार व प्रशासन से लगाई आर्थिक सहायता की गुहार। प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम आज भी रहा आमतौर पर साफ। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात जबकि मध्यम व मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ वर्षा की जताई संभावना।